बांसवाड़ा जिले में राजस्थान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर एवं नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में बांसवाड़ा के सुरम्य पर्यटन स्थलों की तस्वीरें बहुत ही सुंदर रूप से सजाई गई हैं। अलग अलग टाइप के लिए बात नहीं है, ये सही बात है। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बांसवाड़ा जिले और राजस्थान के समस्त जो भी पर्यटक स्थल हैं, उसके अलावा राजस्थान के जो इतिहास से संबंधित जो भी दृश्य, उनका यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई। इसके अलावा हमने पूरे शहर में रंगोली की है, उसके अलावा जितने चौराहे हैं वहाँ पर उनको सजाया गया है। शाम को एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें राजस्थान दिवस के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से हम राजस्थान दिवस को पूरे बांसवाड़ा में सही ढंग से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों में भी इस तरह की जागरूकता पैदा हो और वो भी राजस्थान दिवस को अच्छी तरह से मना सके। सर, कोरोना काल के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल के लिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये जैसे दूसरी लहर चल रही है, वो दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। जैसे आपने देखा होगा अभी ब्राज़ील का चल रहा है, फ्रांस का चल रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। मास्क के लिए हम रोज़ आजकल वापस चालान का काटने की वापस हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग, होली पे भी आपने देखा होगा लोगों ने अधिकतम कोरोना की गाइडलाइन की पालना की, जिसके कारण हमें भी खुशी हुई और सब जगह पे लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं प्रशासन की तरफ से यही सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए समस्त प्रकार की गतिविधियाँ संपन्न नहीं, गाँवों में चल रही है। गाँव के लोगों में अवेयरनेस पहले थोड़ी कम थी, अब हमने वापस ग्राम पंचायत के माध्यम से माइक और गाड़ियाँ घुमाना शुरू कर दिया है, और साथ ही वार्ड मेंबर और सरपंच और जो ब्लॉक लेवल की टीम है उसके मार्फत बाहर से जो लोग आए उनको भी हम क्वारंटाइन कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज सिटी के अंदर कई जगहों पर रंगोली मनवाई गई और आज एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।